योगी आदित्यनाथ की होगी दूसरी बार ताजपोशी। दो उप मुख्यमंत्री समेत 46 मंत्री लेंगे शपथ। योगी आदित्यनाथ को बृहस्पतिवार को एक बार फिर विधायक दल की बैठक में सर्वसहमति से भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। दूसरी ओर शपथ समारोह में तैयारी के साथ सीएम योगी मंत्री बनने वाले विधायकों से मुलाकात करेंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ लगभग 50 विधायकों से मिलने वाले हैं। आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ का विशाल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। बताया जा रहा है कि योगी के साथ आज 46 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें 7 महिलाएं भी शामिल होंगी। बड़ी बात यह है कि पुराने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की वापसी मुमकिन है। बता दें कि इस बार के शपथ समारोह में योगी मंत्रिमंडल में IAS, IPS, डॉक्टर, वकील और CA जैसे पेशेवर नेताओं को जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले में इस बार योगी 2.0 में महिलाओं का भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। लगभग 7 महिलाएं मंत्री बनाई जा सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार योगी मंत्रिमंडल में युवाओं को ज्यादा तवज्जो मिल सकती है। 45 से 55 साल के युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर 70 से अधिक उम्र वाले नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी, जबकि खराब प्रदर्शन वाले मंत्रियों को भी इस बार छोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 वर्ष बाद आज वो समय आया है जब कोई नेता लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी। नतीजे आने के बाद आज यूपी में 18वीं विधानसभा के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। 4 बजे योगी दोबारा सीएम पद की शपथ लेकर देश के सबसे बड़े सूबे पर अगले 5 वर्ष तक राज करेंगे। कई मायनों में इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी आमंत्रित है। 12 प्रदेशों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। इस शपथ ग्रहण में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती को भी निमंत्रण दिया गया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम आवास पर आज रात्रि भोज का आयोजन होगा, जहां शपथ लेने वाले मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भोजन करेंगे। सीएम योगी ने राज्य के अतिथियों को भी भोज पर बुलाया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को भी रात्रि भोज पर निमंत्रण दिया गया है। अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए जुड़े देशहित न्यूज के साथ धन्यवाद।